अभी फिलहाल मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं मेरे भाई को जगा दूं, क्योंकि नहीं नहीं मेरा रेजोल्यूशन ये है कि तू बात करे और मैं सिर्फ नहीं बोलूं कि सेम। मेरा रेजोल्यूशन अभी मैंने बनाया भाई, तू बोलेगा और मैं सुनूंगा, बोल। सर आपका कोई दिवाली रेजोल्यूशन? दिवाली रेजोल्यूशन ये है कि अली भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, अली भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकूँ, और हम दोनों का रेजोल्यूशन यही है कि लोगों का मनोरंजन कर सके, लोगों को खुश रख सके। हम लोग दोनों जो है ना, हम लोग विद्या बालन जी को बहुत फॉलो करते हैं और उनके प्रिंसिपल पे चलते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में हैं और दोनों ब्लॉकबस्टर लग रही हैं, दोनों एंटरटेनिंग लग रही है, तो दोनों फिल्में देखेंगे, पहले और बाद में कोई मतलब नहीं, सेम डे पे एंड हमारे 3 बजे एक देखेंगे, 6 बजे एक देखेंगे। इंडस्ट्री को चाहिए कि दोनों फिल्म ब्लॉकबस्टर सुपर हिट चले, लोगों बोलते हैं ना धमाल मजा है दोनों के लिए, यू नो इट्स राइट टाइम है, और जितनी फिल्में चलेगी उतना हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। सर सक्सेस पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑडियंसेस का, क्योंकि सक्सेस की पार्टी हम कर रहे हैं लेकिन हमको पार्टी दी है ऑडियंसेस ने, क्योंकि आज की डेट में 50 दिन कोई फिल्म थिएटर में चलना आसान बात नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस साल की मेरी दूसरी फिल्म है जो 50 डेज़ कर रही है थिएटर्स में, नाजगा घुमा डिड 50 डेज इन थिएटर्स एंड अब ये, तो एक साल में ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में और हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए, बिकॉज इट्स नॉट एवरी डे दैट दिस हैपन्स फॉर एन एक्टर, तो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि ये हो। एंड थैंक यू टू एवरीबडी एंड वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मेरे साथ ये दो बार हुआ एक साल में। तो सक्सेस पार्टी है, कैसा लग रहा है वो फीलिंग बताओ? खुशी बहुत ज़्यादा, खूब मराठी में बोलूँ तो खूबच आज आनंद वाटतो है, आपल्यांबरोबर आनंद साजरा करतो आहे, दिवाळी साजरी करतो आहे, चित्रपटाचं यश साजरं करतो आहे। खरं म्हणजे ना यश म्हणण्यापेक्षा प्रेक्षकांचं प्रेम साजरं करतो आहे, आणि यश आणि या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या बरोबरच येतात, आधी प्रेम असलं पाहिजे तर मग यश, तर नाही तर यशाचा काय फायदा? मराठी में बोलू चलेगा ना, तो हमारी मातृभाषा मराठी है। तो मुझे मराठी पूरी समझ में आती है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बोलनी उतनी अच्छे से। कोई बात नहीं, कोई बात, बस ये खुशियों में शामिल हम अपनी टीम के साथ ये खुशियां बांटना चाहते थे, मतलब ये उनको थैंक्स थैंक यू करना चाहते, बोलना चाहते थे कि ये सब मुमकिन उन्हीं के वजह से हुआ है, तो हमारी कास्ट और क्रू मिलके ही ये सेलिब्रेट कर रही है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को और सभी चाहने वालों को, सभी दुआ देने वालों को, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सिर्फ आपको नहीं, आपका है कि ये साल से मैं कुछ अलग करने वाला हूँ? ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी तक, अलग आपके तरफ से करते करते हो जाएगा, अलग हो जाएगा कुछ आपके तरफ से कोई चीज, नया साल ही मुझे कुछ सिखाएगा, नया साल जो है ना वही मुझे कुछ सिखाएगा। आपके तरफ से कोई चीज के दिवाली को ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए? दिवाली को जैसे भी सर्व करना करिए, करते रहते लोग एंजॉय करते हैं हर तरह से, लेकिन पटाखों से ज़रा संभाल के करिए, थोड़ा संभाल के। हेलो, हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। सो व्हाट आर द वाइब्स ऑफ दिवाली फर्स्ट, टेल मी दैट। सो दिवाली तो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और इस बार दिवाली और ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरे पापा की जो फिल्म है नवरा माजा नवसाचा 2 मराठी फिल्म, वो सुपर हिट हो गई है एंड आज मैंने पार्टी उनके कास्ट और क्रू और उनके लिए रखी है, सो दैट्स माय वे टू पे बैक। सो यस, सो व्हाट आर योर पेरेंट्स रिएक्शन कि आपने सक्सेस पार्टी थ्रो की है, प्लस आप खुद ताज़ा खबर जी ऑनलाइन नंबर 1 चल रहा है। एक्चुअली सीक्वल्स पिलगांवकर्स के लिए अच्छे गए हैं, ब्रोकन न्यूज़ 2, ताज़ा खबर 2 और नवरा माजा नवसाचा 2, सो दे वेरी हैप्पी, दे आर प्राउड, और मैं ऑडियंस को बस दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। सो दिवाली के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसी दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए? करनी चाहिए मतलब ऑनेस्टली दिवाली में विद योर फैमिली और लव्ड वंस, बचपन में होता था गिफ्ट्स लेना बट अभी हो गया है गिफ्ट्स देना, एंड ऑफ कोर्स इट्स फन टू ड्रेस अप, एक्चुअली अभी पार्टी कर करके थक गई हूँ। सो एनी दिवाली रेजोल्यूशंस फ्रॉम योर साइड? रेजोल्यूशंस वुड जस्ट बी टू वैल्यू टाइम विद फैमिली बिकॉज हम लाइफ के भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि बहुत बार हम वो टाइम वैल्यू नहीं करते, सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्पेंड टाइम विद फैमिली।